इस समय सारयां दे दिमाग विच एक ही तरीक चल रही है 3 मई। की 3 मई तो बाद लॉकडाउन खुल जाएगा? सारे भारतीयों के दिमाग विच यही सवाल उठ रहे हैं। कई बुद्धिजीवियों के अनुसार कोरोना वायरस की असली तस्वीर मई के अंत या जून के पहले हफ्ते ही दे सकती है, जदों कोरोना अपनी चरम सीमा ते होवेगा। जेकर कोरोना वायरस अपनी चरम सीमा ते होवेगा तां लॉकडाउन किस तरीके नाल होवेगा जां किन्ना लंबा जावेगा, सोच के वेखो, बहुत वड्डा सवाल है। बहुत सारे विज्ञानी इस सवाल के उत्तर नूं लभण विच लगे हुए हन। अमरीका दा बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप जानी के BCG ने दी जॉहन हॉकिंग यूनिवर्सिटी के अंकड़ों के आधार पर 20 देशों का कोरोना चार्ट तैयार किया है। इस चार्ट के मुताबिक चीन नूं छड्ड के बाकी दे देशों में जुलाई तो पहला लॉकडाउन खोलना संभव नहीं है। जेकर लॉकडाउन हटा दिता जाता है तो भावें वजह कोई भी होवे तां हालात बेकाबू हो सकते हैं। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के हिसाब नाल यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत में लॉकडाउन सितंबर में खोलन नाल ही बचा जा सकता है। जेकर उस तो पहला लॉकडाउन हटा दिता जाता है तो भारत दे मेडिकल प्रबंधा नूं देखदे हुए कोरोना दे मरीजां विच भारी वाधा हो सकता है। BCG ने यह रिपोर्ट हुण तक दे हालातां नूं वेख के ही बनाई है। इस रिपोर्ट दे आधार ते ही कहा जा रहा है कि जेकर लॉकडाउन सितंबर तों पहलां हटा दिता गया तां भारत विच भारी तबाही हो सकती है। BCG की इस रिपोर्ट विच ओ सारे अंकड़े हन कि किहड़े देश विच कदों कोरोना वायरस दा मरीज पाया जाएगा अते कदों उस देश विच सब तो वध कोरोना मरीज पाए जाणगे। इन्हां अंकड़ियां दे आधार ते ही सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट दे मुताबक भारत ने समा रहिंदिया ही लॉकडाउन तां कर दिता सी, पर बाद विच यह मन्निया जा रहा है कि जून दे तीजे हफ्ते कोरोना वायरस अपनी चरम सीमा ते होवेगा। इस रिपोर्ट दे आधार ते यह मन्निया जा रहा है कि भारत विच लॉकडाउन सितंबर दे दूजे हफ्ते विच खुलना ही मुनासिब होवेगा। असीं तुहानूं दसना चाहुंदे हाँ कि बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के अंकड़े विश्वास करन दे योग हुंदे हन अते दुनिया भर के विज्ञानी भी इन्हां अंकड़ियां ते विश्वास कर रहे हन। उत्थे ही वलूर दे क्रिश्चियन मैडिकल कॉलेज तो रिटायर्ड क्लीनिकल बायोलॉजिस्ट पी जैकब जॉन के मुताबिक अगर भारत में लॉकडाउन 3 मई नूं खोल दिता जाता है तो करोना के मामले बहुत तेजी नाल वध सकते हैं अते बिना तैयारी तो इन्हों संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 3 मई तक लॉकडाउन आसानी नाल हटाया जा सकता सी जेकर वक्त रहिंदिया ही वेंटीलेटर PPE किटा अते क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाते, पर अज के हालातों देखते हुए जेकर लॉकडाउन छेती खोल दिता गया तो मुसीबतों में वाधा हो सकता है। इंग्लैंड के डॉक्टर नीरज पाटिल के अनुसार भावें इंग्लैंड कोरोना वायरस के मरीज 1.25 लाख तो उत्ते हैं, पर उन्होंने कहना है कि कोरोना अपनी चरम सीमा ते नहीं पहुँचा। आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस के मुताबिक इंग्लैंड कोरोना मई तक अपनी चरम सीमा ते होवेगा, पर भारत अजे बहुत पिछे है। अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत में कोरोना के मरीज मई और जून में सब तो वध पाए जाएंगे। भारत की सरकार का भी यही मानना है कि मई के महीने कोरोना वायरस के मरीज सब तो वध मिलेंगे और उस तो बाद ही कोरोना वायरस के मरीजों में कमी आएगी। गृह मंत्रालय का कहना है कि दूजे मुल्कों के मुकाबले भारत में अजे कोरोना वायरस के मरीज बहुत घट हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत में टैसटा की संख्या वधा दिती गई है और आने वाले समय में बहुत सारे कोरोना मरीज मिल सकते हैं। यह जाहिर है कि कोरोना नूं इसकी चरम सीमा ते पहुँचने तो पहला ही भारत सरकार इस नाल निजिठण की तैयारी कर रही है और तैयारी करनी ही पवेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी यह कह रहे हैं कि भारत में कोरोना मई जून में अपनी चरम सीमा ते होवेगा और उस समय भारत के 80-85% हिस्से इस तो प्रभावित हो सकते हैं। इन्ना ही नहीं, भारत के 58% लोग कोरोना की गिरफ्त में हो सकते हैं, यह अनुमान लगाया जा रहा है। उधर गर्मी और कोरोना के संबंध में लैके भी बहुत सारिया गल्लां सामने आ रही हैं। जाने के गर्मी आने नाल कोरोना का प्रभाव घट हो सकता है, पर बुद्धिजीवियों का मानना है कि अख बंद कर लैन नाल खतरा टालिया नहीं जा सकता अते इहो जिही उम्मीद बहुत घट है। दुनिया के कुछ अजिहे देश हैं जिथे कोरोना ने बहुत तबाही मचाई है अते उत्थे जनवरी तो अप्रैल तक बहुत गर्मी पैंदी है। वेलूर क्रिश्चियन मैडिकल कॉलेज तो रिटायर्ड क्लीनिकल बायोलॉजिस्ट का मानना है कि इहो जिही कोई उम्मीद नहीं है, पर जेकर
ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਦੀ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਉਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 2020 ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ PPE ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਵੇਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਇਕੁਪਮੈਂਟ PPE ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਲਾਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਇਟਲੀ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ PPE ਕਿੱਟ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਜੋ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੇਠਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਵਹਿੰਦੇ ਦਰਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ।